हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्टेज। तो आज का हमारा सवाल है, सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये सवाल जो है आपके क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से और आसान तरीके से यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए पहले फर्स्ट क्वेश्चन को सीखते हैं, उसके बाद फिर सेकंड क्वेश्चन को सीखेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, सिद्ध करना है हमें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे आपको फर्स्ट स्टेप में पहले क्या ध्यान रखना है, अगर अपरिमेय बोला जा रहा है यहाँ पे तो हमेशा हमें उसका उल्टा मानना है, यानी विरोधाभास मानना है। ठीक, तो यहाँ पे हम √3 को क्या मानेंगे, अपरिमेय बोला जा रहा तो परिमेय मानेंगे। ठीक, यहाँ पे मानेंगे हम, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, जो भी दिया रहेगा उसका हमें हमेशा उल्टा मानना है, परिमेय संख्या है। अब आपको पता होता है कि परिमेय संख्या क्या होता है, तो परिमेय संख्या हमेशा p बटे q के रूप में होता है। तो √3 को हम परिमेय संख्या माने हैं, तो √3 इक्वल टू p बटे q, यानी परिमेय संख्या हमेशा p बटे q के रूप में होता है। जहां पे ये जो p और q है, यहां पे जहां p और q एक पूर्णांक है। ठीक, P और Q एक आपस में पूर्णांक है, जहां Q जो होगा यानी हर जो होगा उसका कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा, Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। जब P बटे Q के रूप में यहां पे हो गया, तो इसे आगे हम सॉल्व करते हैं। यहां पे इस दो को √3 के जो गुना में लगा हुआ है दो, उसको हम क्या करेंगे, बराबर के उधर भेज देंगे, तो इधर बच जाएगा √3 इक्वल टू P बटे, यहां पे गुना में है बराबर के इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 2Q। यहां पे हमको क्या देखने को मिल रहा है, P बटे 2Q, यहां पे देखिए, जहां 2, P, Q एक आपस में क्या है, तो पूर्णांक है, पूर्णांक भी है, और P बटे 2Q एक परिमेय संख्या भी है। P बटे 2Q एक परिमेय संख्या है और √3 जो है क्या, आपस में एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो यहां पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, P बटे 2Q एक परिमेय संख्या है और √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना होगा कि कभी भी परिमेय संख्या जो है आपस में अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है, कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। तो यहीं से हमें इसका विरोधाभास मिल गया, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। हमने जो माना था गलत, हमने जो माना था वो गलत है, अपरिमेय संख्या है, हमारी मान्यता गलत है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या होगा। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, आपके पास क्या है, सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने आपको क्या बताया था कि जब भी दिया हुआ जो रहेगा उसका हमेशा उल्टा मानना है, अपरिमेय यहाँ पे दिया हुआ है तो हम क्या मानेंगे, परिमेय मानेंगे, यानी कि माना कि √5 एक अपरिमेय है तो परिमेय संख्या है। ये आपको फर्स्ट स्टेप में करना है। जब परिमेय संख्या जब हम मान लेते हैं, तो परिमेय संख्या हमेशा क्या होता है, p बटे q के रूप में होता है, यानी भाग के रूप में होता है। तो √5 इक्वल टू p बटे q, p और q आपस में क्या है, तो p और q पूर्णांक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जहां स्टेप बाय स्टेप आप समझते चलिए, जहां p और Q एक पूर्णांक है। ठीक, जहां P और Q एक पूर्णांक है और Q जो होता है वो कभी भी क्या होता है, तो जीरो के बराबर नहीं होता है। ये इस टाइप का क्वेश्चन जो है थोड़ा सब्जेक्टिव होता है, आपको थोड़ा इसमें लिखना होता है अपने से, खुद से बना करके लैंग्वेज में। तो इसके आगे हम क्या करेंगे, √5 इक्वल टू पी बटे क्यू, यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों तरफ जो है वर्ग कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक, तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू पी स्क्वायर बटे
क्यू स्क्वायर, और रूट के अंदर जो भी संख्या रहता है उसका स्क्वायर करते हैं तो वही उसका आंसर हो जाता है। तो इधर हो जाएगा 5, इधर हो जाएगा पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे 2 क्यू है तो 1 क्यू क्या करेंगे हम इसके गुना में ले आएंगे, 5 के गुना में ले आएंगे, 5 के गुना में ले आएंगे तो 5 क्यू इक्वल टू पी स्क्वायर बटे क्यू। ये तो हमें पता है कि पी स्क्वायर बटे क्यू, स्क्वायर भी लग गया तो उससे भी हमें कोई बहस नहीं है क्योंकि यहाँ पे पी बटे क्यू एक परिमेय संख्या और पूर्णांक है, तो पी स्क्वायर बटे क्यू आपस में क्या हो जाएगा तो हमारा परिमेय हो जाएगा, ये हमारा परिमेय हो जाएगा। और यहाँ पे क्यू जो है 5 के गुना में है तो 5 अपने आप में क्या है, 5 जो है अपने आप में एक अभाज्य संख्या और क्यू अपने आप में एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक और अभाज्य संख्या को गुना करेंगे तो हमारा जो है अलग अलग यहाँ पे आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी अपरिमेय के रूप में ही आ रहा है हमारा, ये भी अपरिमेय के रूप में आ रहा है, इधर वाला एक परिमेय के रूप में आ रहा है, यानी परिमेय संख्या जो है परिमेय संख्या वो अपरिमेय के बराबर आ रहा है, जो कि ये सत्य नहीं है। कभी भी जो है परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या अपने बराबर नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अतः हमारी मान्यता गलत है, इसलिए रूट पांच एक अपरिमेय संख्या है। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, मतलब ये जो है आपको क्लास 10th के एग्जाम में एकदम आना ही आना है, 2 नंबर से 5 नंबर के बीच में आपसे पूछा जाएगा, अगर आप आधा भी बनाते हैं, अगर 5 नंबर का है तो 3 नंबर तो एग्जामिनर आपको देगा ही देगा। तो आप क्या कीजिए, थोड़ा सा लैंग्वेज टाइप का है तो इसमें कुछ बातें याद करनी होती है, तो आप उसको याद कर लीजिए और स्टेप बाय स्टेप समझते चलिए कि कैसे कैसे ये हुआ है, तो इसी टाइप से वहां भी आपको एग्जाम में ऐसे बनाना है। तो अगर वीडियो को अच्छा लगा और पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, थैंक यू।